नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ रूम पोस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी के बारे में। जी हाँ, पूर्व सांसद राहुल गांधी हमेशा अपने बयानों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। फिलहाल राहुल गांधी अमेरिका के 6 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं, जहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने केरल के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेक्युलर पार्टी बता दिया। और यही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि उस पार्टी में नॉन सेक्युलर जैसा कुछ भी नहीं है। अब राहुल गांधी के इस बयान से भारत की राजनीति फिर से गर्मा गई है और इससे बीजेपी कहाँ पीछे रहने वाली थी। बीजेपी ने इस मुद्दे को लड्डू की तरह लपक लिया और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधने लग गए। बीजेपी का कहना है कि जो पार्टी देश विभाजन का कारण बनी वो सेक्युलर कैसे हो सकती है। वहीं इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि मुस्लिम लीग को सेक्युलर कहने वाली मानसिकता खतरनाक है और राहुल गांधी के ओछे बयान को नहीं बल्कि पूरे कांग्रेस की प्रवृत्ति को गंभीरता से लेता हूँ। और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया, जिसमें वो राहुल गांधी से माफ़ी मांगने की बात कह रहे हैं। अब देखना यह है कि राहुल गांधी की इस पे क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। आगे की ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।